हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉनर के चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट थिंग है, जो कि आपके पास जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें एक डेवलपर ऑप्शन रहता है, उसको इनेबल करने के बाद आपका मोबाइल में काफ़ी सारा फीचर्स देखने के लिए मिलता है। सो डेवलपर फीचर है, उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं उसके बारे में मैं इसमें इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। सो आप देख सकते हैं, ये जो मोबाइल है मेरा पास, ये पोको एम टू प्रो है। ये मोबाइल में मैं आपको सेटिंग दिखाऊंगा, डेवलपर सेटिंग कैसे ऑन करता है। आपका जो पोको सीरीज़ है ये सेम सेटिंग रहता है, तो ये कैसे आप इनेबल कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है, आपका मोबाइल में जो सेटिंग है सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इसमें इनेबल करने के लिए कुछ सेटिंग करना है, तो उसका पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस डेवलपर ऑप्शन देखता है, किधर देखता है। तो उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको इसमें एडिशनल सेटिंग का एक ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें देखिए, ऊपर में स्क्रॉल करने के बाद एंटरप्राइज मोड देखने के लिए मिलता है, लेकिन डेवलपर ऑप्शन नहीं है। आपको मैं इसमें डेवलपर ऑप्शन लेके दिखा दूंगा, जो कि इनेबल करके दिखा दूंगा। सो अभी इसमें बैक होना है, बैक होकर ऊपर में स्क्रॉल कीजिए, उसके बाद अबाउट फोन में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इसमें देखने के लिए मिलता है MIUI वर्जन 4 पोको। इसमें आपको क्लिक करना है 2-3 बार एक साथ, मतलब क्लिक करने से तो कुछ नहीं आता है, लेकिन इसमें क्लिक करने के बाद आपका डेवलपर ये ऐसे इनेबल हो जाता है। मतलब इसमें देखिए, एंड्रॉयड वर्जन में बार बार क्लिक करने से आपको इसमें ऐसे एंड्रॉयड 10 देखने के लिए मिलता है, जो 10 की वर्जन है ये। तो इस तरह से आप इसको अनेबल कर सकते हैं। तो अभी आपको इसमें बैक होना है, बैक होकर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको इसमें एडिशनल सेटिंग में जाना है। जाने के बाद आपको इसमें देखना है डेवलपर ऑप्शन आया कि नहीं आया। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं इसमें डेवलपर ऑप्शन आ गया। इस तरह से आप डेवलपर जो सेटिंग है आप इनेबल कर सकते हैं। इसमें देखिए, डेवलपर ऑप्शन आ गया। इसमें क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में देखने के लिए मिलता है डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो रहा है। इसमें काफ़ी सारा ऑप्शन है, काफ़ी सारा सेटिंग है डेवलपर के अंदर। आपको इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसमें लॉन्ग हो जाता है वीडियो। काफ़ी सारा ऑप्शन है, काफ़ी सारा अमेजिंग ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं ये डेवलपर ऑप्शन। सो दोस्तों, इस तरह से आप इनेबल कर सकते हैं पोको X2, पोको M2 प्रो, पोको सीरीज एवरीथिंग मोबाइल में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब बिल्कुल भी सब्सक्राइब करके रखिए, और आपको ये काम करने से कुछ प्रॉब्लम आता है तो कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।